हेलो फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल का सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये HTML का पार्ट 20 वीडियो है, जिसमें हम लोग HTML के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट कैसा है। देखिए ये ऊपर मेन्यू है, ये इमेजेज है और नीचे ये छोटा सा टेक्स्ट है जो डेवलप किया है उनका नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल सा हम आज बनाएंगे। ये टेबल के माध्यम से बनेगा और मैं बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो HTML टेबल टैग के बारे में हम बताए थे कि टेबल टैग कैसा उपयोग करना है, कैसे उपयोग नहीं करना है और कहाँ क्या लिखना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, तो फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट को आपको समझने में कठिनाई होगा। अगर आपको पहले से भी टेबल के बारे में नॉलेज है तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं। तो एक HTML डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। तो देखिए हम आगे से ही home.html टैग बनाया और HTML home.html हम लोग एक फाइल बनाए हुए हैं। इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम लोग बदलते हैं। तो आइए यहाँ बॉडी में यहाँ पर आप लिखिए बीजी कलर। ये एट्रीब्यूट है बॉडी का, आप इसमें उस कलर का नाम दे दीजिए। हेक्स कोड 6x9 आप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ अपन डोर कोर्स बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप सेव करिए, यहाँ से आप उसको रिफ्रेश करें। तो देखिए ये जो कलर है वो भी इसका कलर में बदल गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक टेबल को इसमें इंसर्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सेंटर टैग ले लीजिए। इस तरह आप सेंटर टैग ले लीजिए और इसको क्लोज कर लीजिए। नहीं भी लेंगे तो आप टेबल में अलाइन एट्रीब्यूट से सेंटर में दे सकते हैं। बट उसके बाद आप यहाँ पर टेबल टैग को स्टार्ट कीजिए और टेबल टैग को क्लोज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका कुछ विड्थ एंड हाइट आप डिफाइन कीजिए। जैसे मैं इसका विड्थ दे रहा हूँ 60%। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं इधर 60%। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सेव करेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं इसमें आप एक TR को इंसर्ट करें इस तरह, देखिए, और इस तरह TR को क्लोज कर लीजिए। उसके बाद TD को इंसर्ट करिए इस तरह। देखिए इसमें TD कितना है। इसमें देखिए TD, देखिए एक TR यहाँ बना हुआ है और एक TR ये पूरा इमेज बना है और एक TR में ये इतना टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको देखिए एक कैसे बनेगा। पहले 1 TR ये आएगा, फिर 2 TR एंड 3 TR। सबसे पहले आपको 3 TR इसमें राइट करना होगा। देखिए हमने 1 TR स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा इस तरह आप TR को स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप तीसरा TR को इस तरह क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ तक क्लोज कर दिए, 3 TR बन गया। अब आया फिर से प्रोजेक्ट में। तो देखिए एक TR के अंदर कितना टेबल है, भले TD है। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए इस TR में मींस इस रो में 5 कॉलम है और इस रो में 1 कॉलम है और इस रो में भी 1 कॉलम है। तो कॉलम हम लोग कैसे बांटते हैं, TD के माध्यम से। तो पहला रो में 5 TD हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1 TD लिखे हुए हैं, इसको कॉपी करते हैं और 4 times और पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 5 हो गया और इस TR में हमको एक ही TD चाहिए और इस TR में हमको एक ही TD चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें तो और कुछ करना नहीं है। अब आते हैं इसमें, देखिए टेबल
टेबल का जो बॉडी है, और जो बेसिकली यही पूरा टेबल का बॉडी है एंड जो बॉर्डर कलर है दोनों वाइट है। तो चलिए पहले हम लोग वाइट दे देते हैं। टेबल कहाँ है? टेबल यहाँ है। तो टेबल में पहले आप बीजी कलर दे दीजिए इस तरह वाइट, उसके बाद आप इसका बॉर्डर भी दे दीजिए इस तरह वाइट। अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप इसमें कंटेंट को लिखें, तो आप इसमें लिखें इस तरह होम, होम लिखें, और इस तरह आप इसका इसमें वीडियोज लिखें, और इसमें आप लिखें इमेजेज लिखें, इसमें आप लिखें कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, और इसमें आप लिखें अबाउट अस। अब इसको सेव करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इसको आप सेव कीजिए और यहाँ से आपको फिर आप रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड वाउट वाइट, बट आपको बॉर्डर वाइट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर इसमें वन ही पास का करना होगा, बट आपको बॉर्डर जो कलर होगा वो आपको वाइट पास करना होगा इस तरह वाइट वाइट इस तरह पास करेंगे। यहाँ से आप सेव करेंगे, फिर यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये वाइट में आपको देखने को मिल रहा होगा। और फ्रेंड्स इसका विड्थ बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बॉर्डर कलर को रिमूव करें, वो आप बाद में इसमें लगाएंगे क्योंकि बॉर्डर रहेगा तो समझने में परेशानी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका विड्थ ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, और इन तीनों का कम है, तो आपको एक्यूरेट विड्थ में इसको बांटना होगा। वो भी कितना 60% में ही इस तीनों को आपको बराबर बराबर में भागों में बांटना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए इस तरह, और आप यहाँ पर लिखे 100, और इसमें आप इसको डिवाइड कर लीजिए 6 से इस तरह, तो देखिए आपको मिल गया 16.66%। ये परसेंट निकल गया। आप इस यही टी डी में विध दीजिए और 16.66% इस तरह लिखिए। देखिए यह विध हो गया, यही विध सेम टू सेम आप इसमें भी पेस्ट कर दीजिए, और इसमें भी, इसमें और इसमें। अब इसको आप सेव कीजिए और फिर यहां से आप इसको रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए तीनों का विध एक्यूरेट आपको देखने को मिल गया। अब आते हैं, अब इसका हाइट बढ़ाते हैं। इस टी डी का जो हाइट है आपको बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए सिंपली आप टी आर में ही उसका हाइट डिफाइन कर दीजिए इस तरह। आप कितना हाइट रखना चाहते हैं, मैं 50 रखना चाहता हूँ। उसके बाद सेव कीजिए, यहाँ के राउंड कीजिए। देखिए आपको 50 देखने को ऐसा मिल रहा होगा। और देखिए फ्रेंड्स ये सेंटर में नहीं है, आपको इसको सेंटर में लाने के लिए टी आर में ही आप एक ही बार में दे दीजिए सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह। फिर रिफ्रेश कीजिए तो देखिए सेंटर में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ऐसा दिखाना होगा इस तरह। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड वाइट दे देते हैं। तो चलिए ये टी आर है, टी आर में ही आप बैकग्राउंड दे दीजिए आप इस तरह बीजी कलर। वैसे कि बीजी कलर तो इसमें वाइट है ही है, देखिए इसमें बीजी कलर वाइट तो है ही है। आप बॉर्डर वाइट कर देंगे तो वो भी वाइट हो जाएगा। आप देखिए इस ये जो टेक्स्ट है इसको आपको इस तरह का बोल्ड दिखाना होगा। तो चलिए बोल्ड दिखाने के लिए क्या करना होगा, आप इसको मत लिखिए। ये जो होम, जितना होम चाहे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप मेरे ही प्ले लिस्ट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चैप्टर पढ़े होंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चैप्टर में हम लोग बी टेक के बारे में बताए थे कि बी टेक के माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं इस तरह। तो चलिए आप सभी के पहले आप बी टेक को इस तरह लिख लीजिए। तो देखिए मैंने सभी में बी टेक को इम्प्लीमेंट को कर दिया। इसको आप यहाँ से सेव कीजिए, फिर आकर आप रिफ्रेश कीजिए। देखिए सब आपको बोल्ड देखने को मिल गया होगा। देखिए इस तरह आपको पहले के लिए बोल्ड आपको दिखने को मिल रहा होगा।
अब आप ऐसा कवर कैसे लाएंगे, तो आप इससे पिछले वीडियो में फोन टैग के बारे में पढ़े हुए हैं, तो आप बी टैग्स के पहले आप फोन टैग का उपयोग कीजिए। इस तरह आप फोन टैग स्टार्ट कीजिए और इस तरह आप फोन टैग को क्लोज कर दीजिए। और फोन टैग में आप एक होता है फेस एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट का आप वैल्यू दे दीजिए वल देना, बस सेव कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपको कलर और भी अट्रैक्टिव देखने को मिल गया होगा, देखिए इस तरह। और इसका आप कलर डिफाइन कर दीजिए इस तरह, तो देखिए मेरे को कलर मालूम नहीं है कि कितने क्या इसका कलर है। तो कलर मालूम करने के लिए आप गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो है कलर जिला। अगर आप एक्सटेंशन इसमें नहीं डालने आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप क्रोम का एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए इसका कलर हम लोग मालूम करते हैं। तो इस पर आप क्लिक कीजिए और पेज कलर पिकअप पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इस पर ड्रैग करेंगे। देखिए इस पर ड्रैग तो वाइट आ गया, बट इस पर ड्रैग करेंगे तो देखिए वह आपका कलर बदल गया। देखिए यही कलर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कलर में आता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह और सेव करते हैं। और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए उसी के तरह में भी कलर चेंज हो गया। यही डिज़ाइन हम लोग इसमें भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो देखिए फोन टैग ये है, यहाँ से फोन टैग को कॉपी कीजिए और बी टैग सभी के बी टैग के पहले आप इस तरह इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और सभी के पहले ये जो फोन क्लोज फोन टैग है ये बी टैग के बाद इस तरह आप इस तरह पेस्ट कर दीजिए, देखिए इस तरह तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से आप सेव कीजिए और यहाँ के आने के बाद इसको आप रिफ्रेश कीजिए तो देखिए सेम इस सभी में इम्प्लीमेंट हो गया। अभी बॉर्डर रहने देते हैं और फिलहाल देखिए इसका काम हो गया। अब आते हैं इमेजेस पे लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आइए यहाँ पे देखिए ये जो टी आर है इसमें TTD1 TTD है, इसमें 5 TD है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि TTD में एक एट्रीब्यूट होता है कोल स्पेन, कोल स्पेन एक एट्रीब्यूट होता है। इसका वैल्यू अब जहाँ जितना होता है जैसे देखिए इसमें 5 है इसमें 1 है तो इसका वैल्यू आप 5 पे दीजिए इस तरह। अब इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक ही TD की जितना हाई विद है उतना आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बट इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये 5 TD का जितना विद है आपको इसमें देखने को मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस TD में हम लोग IMG को इंसर्ट करते हैं इस तरह और इसके SRC में उसका वैल्यू देते हैं, जो मेरे डेस्कटॉप पर जो इमेजेज है देखिए उसका नाम क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट्स और .jpg और इसका विद हम लोग 100% कर दे रहे हैं इस तरह और इसको सेव करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका इमेज में इंसर्ट हो गया, इसका विद है 100%, ठीक है फ्रेंड्स। अब और इसके नीचे इसका जो डेवलप कौन किया है उसका नाम आप डिफाइन कर दीजिए। तो फिर आइए इसके नीचे और इसके TD में देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें भी आपको कोल स्पेन डिफाइन करना होगा। देखिए इसमें एक है तो आप फुल करने के लिए 5 डिफाइन कीजिए, 5 डिफाइन हो गया। और इसमें आप टेक्स्ट डिफाइन कर दीजिए डेवलप्ड बाई, आप जो भी नाम होगा वो नाम डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ प्रोग्रामर शकील, और इसके बाद आप सेव कीजिए और यहाँ के आने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपको ऐसा टेक्स्ट आपको देखने को मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप सेंटर में लाइए कि यहाँ पे सेंटर में आए, तो उसके लिए अगेन आप TTL में अलाइन टैग को पास कीजिए और सेंट्रल वैल्यू दे दीजिए, अलाइन एट्रीब्यूट को पास कीजिए
और सेंटर दीजिए। इसके बाद यहाँ से रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपके टेक्स्ट सेंटर में देखने को मिल गया। देखिए ये भी टेक्स्ट डेकोरेटेड नहीं है इसके जैसा, तो इसके जैसा डेकोरेटेड करने के लिए आपको इसको भी फॉन्ट टैग के माध्यम से इसको भी आपको क्लोज कर लेना होगा। स्टार्ट कर लिए और यहाँ आपको फॉन्ट टैग के माध्यम से इसको क्लोज कर लीजिए और इसमें आप फेस दे दीजिए। जैसे मैं फेस दे रहा हूँ वर्दना, आपको भी फेस एट्रीब्यूट आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए टेक्स्ट कुछ आपको ऐसा देखने को मिल गया। अब आपको यहाँ जो प्रोग्राम शकील है इसी में आपको एंकर टैग दे देना है आपका लिंक इसका, तो उसके लिए प्रोग्रामर शकील से पहले आप एड टैग को ऐसे स्टार्ट कीजिए और प्रोग्रामर शकील के बाद आप एड टैग को क्लोज कर दीजिए और इसमें इसका लिंक आपको डिफाइन कर दीजिए इस तरह। देखिए इसमें आपको लिंक डिफाइन करना होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पेज नहीं है और कोई भी लिंक नहीं है तो आप इसको एमपीटी कर दीजिए। एमपीटी करने के लिए आप हैश सिंबल का सिंबल का यूज करेंगे तो ये एक एमपीटी लिंक हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सेव कीजिए और यहाँ के आने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए इसमें आपको लिंक आ गया। इसको ओपन करेंगे तो हैंड का चित्र आ गया। इसका मतलब ही है कि ये एक लिंक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सब बना दिया। अब इसको बॉर्डर को हम लोग वाइट कर देते हैं। तो फिर आते इसमें और टेबल टैग में जाते हैं। ये है टेबल टैग, देखिए यहाँ से, और इसमें हम लोग जो बॉर्डर कलर को रिमूव किए थे वो फिर से इसमें लगा देते हैं। जो बॉर्डर कलर मैं पास कर दे रहा हूँ वाइट, यहाँ से सेव कीजिए और फिर यहाँ के आने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए ये परफेक्ट आपको देखने को मिल गया। देखिए इस तरह, और इसमें भी आपको परफेक्ट देखने को मिल गया। देखिए इसके तरह ही आपको ऐसा देखने को मिल गया। देखिए ये बोल्ड के तरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि ये जो टेक्स्ट है इसको आप बी टैग के माध्यम से लॉक कर दें तो आपको ये बोल्ड देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह, इसको सेव कीजिए और यहाँ से रिफ्रेश कीजिए तो देखिए ये बोल्ड आपको देखने को मिल गया। सो फ्रेंड्स, देखिए आप सेम टू सेम ही ये भी लग रहा है जो ये है। तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या परेशानी हो रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहते हैं कि इसका आप ड्यूरेशन जो होता है वो आप ज़्यादा बनाते हैं, आप कम कीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक बात समझा कर आपको बताता हूं कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरे को भी मोटिवेट मिले और मैं इसी तरह और आपको वीडियो बना कर दूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डिस वीडियो।